आज 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 19 साल के अंदर कितने दंगे हो गए। और कांग्रेस का इतिहास उड़ा के देखो, 6,000 से ऊपर दंगे हुए कांग्रेस की शासन काल के अंदर। भाई आज प्रदेश के अंदर से जो क्राइम था वो खत्म हुआ, तो सरकार का खौफ तो होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस वाले तो पाल के रखते हैं गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के काम करे भाई, रोड बनाए है ना, बिजली नहीं थी यहाँ पर, बिजली आज जाती नहीं है, जाती नहीं है। आती नहीं थी। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है आजादी के बाद तक। उनकी कोई काम नहीं करती कांग्रेस, वो भी डरा के रखती है। कांग्रेस कुली बन जाए या वो झाड़ू देने वाले बन जाए या ट्रक ड्राइवर बन जाए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आज़ादी के बाद से आप नरेंद्र मोदी जी के राज में देखिए कितने प्रतिशत मुसलमान IAS और IPS बने। मुसलमान नाम पे बोर्ड लिया, मुसलमानों के धोखा दिया इन दोनों ने, कुछ भी नहीं करा आज तक। आप तो देख लो, दिग्विजय सिंह जब प्रचार करेंगे हमारा कांग्रेस का 10 वोट कम हो जाएगा। शिवराज जी ने कुछ किया है, शिवराज जी ने ये किया है कि हर वर्ग उनसे खुश है। आज हर धर्म का आदमी खुश है, हर जाति का आदमी खुश है। पर आरोप तो लगते हैं बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मुस्लिमों को देखते नहीं है। नहीं नहीं गलत है ये, नहीं नहीं गलत है ये। कांग्रेस के लोग गलत प्रचार करते हैं। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और राहुल गांधी मिलके सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेके, और उनके उनकी सुध नहीं ली आज तक 50-70 साल के अंदर। नहीं तो आज मुस्लिम समाज वो तरक्की भी होता देश के अंदर। मुस्लिम समाज तो अभी भी कांग्रेस के साथ जा रहा है। नहीं गलत है ये, उनको शिक्षित नहीं किया आज तक, उनका उपयोग किया उनका सिर्फ वोट का। उनको अगर शिक्षित किया होता तो आज जितने बीजेपी के शासन में IAS लाभी बन रही है मुस्लिम समाज से, वो बहुत पहले बन चुके होते। हाँ जी, क्या सही कह रहा है? बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ क्या? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है आजादी के बाद तक। उनकी कोई काम नहीं करती कांग्रेस, वो भी डरा के रखती है कांग्रेस। क्या आज तक ना तो उनको कोई कमेटी बनाई, ना आरक्षण दिया। इतनी साल सरकार रही कांग्रेस की, कुछ भी भला नहीं किया मुसलमान। पर कहते तो है कि हम मुसलमानों के लिए करते हैं बहुत, वो तो आपकी आवाज जाके विदेशों में उठाते हैं, कहते हैं मुसलमानों को डराया। सिर्फ डरा, कांग्रेस ने ही काम किया है ये, तुष्टिकरण का काम कांग्रेस ही करती है। डरा के रखती है, भयभीत लेती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये करेगी, आपके साथ ऐसा बर्ताव होगा। आज 20 साल हो गए, 19 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यहाँ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के काम करे भाई, रोड बनाए है ना, बिजली नहीं थी यहाँ पर, बिजली आज जाती नहीं है, पहले आती नहीं थी कि पता चलता था कि आएगी कब, अब ये कब तो जाती ही नहीं है। तो भाई बिजली जब रहती है तो उससे फायदा मुसलमान भी उठाता है ना, हिंदू भी उठा रहा है। रोड बना तो उसके ऊपर मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है। जो योजनाएं बनाई शिवराज जी ने, लाडली बहना योजना है, लाड कहते हैं ये तो सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं मामा जी, मुस्लिम देखा और बुलडोजर। अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, जो अपराधी है अपराध मुक्त करा। पर बार बार ये क्यों कहते हैं कांग्रेस वाले कि मुस्लिमों पर चलाते? भाई तो अपराध मत करो ना, जो भी अपराधी हिंदू होगा उस पे भी चला, ऐसा नहीं है। हिंदू ने अपराध करा, गुंडागर्दी करी तो उसके घर पे भी बुलडोजर चला, ऐसा नहीं है। भाई आज प्रदेश के अंदर से जो क्राइम था वो खत्म हुआ, तो सरकार का खौफ तो होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस वाले तो पाल के रखते हैं गुंडों को, गुंडों को पाल के रखते हैं, पाल के रखते हैं। ये तो वैसे कि इनसे जो है काम लिया जाए। शिवराज, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है। हाँ भारतीय जनता पार्टी किया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल विकास किया है। अरे कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश। अरे आप पूरे मध्य प्रदेश घूम लो, आप रोड घूम लो जाके, आज ये कंडीशन है। पहले ये कंडीशन थी कि आदमी को बेरसिया जाना था ना, बेरसिया 40 किलोमीटर दूर, तो सोचता था कि कैसे जाऊं, कब जाऊं। आज ये है कि रात को 1 बजे भी उसको बेरसिया जाना होता है तो रात को बाइक उठाता है, बेरसिया से होके आ जाता है बेखौफ। हमारा आप बात को, यश मामा ने काम किया है, पूरे रोड उठाकर देख लो आप, पानी की समस्या देख लो। पहले एक मोहल्ले में एक नल हुआ करता था और पूरे मोहल्ले वाले उस नल से पानी भरा करते थे, आज घर घर पानी है, और क्या चाहिए। अब तो राहुल गांधी कूली बन रहे हैं, सामान लेके सर पर। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनका सपना ही रहेगा। उनको उन्होंने जो काम मुसलमानों के साथ किए हैं कांग्रेस ने, क्या यूपी के अंदर हो कितने दंगे करवाए कांग्रेस ने, आप बताइए हैं क्या है। आप मतलब मुरादाबाद का उठा के देख लीजिए, कैसा काम करा था मुरादाबाद ने, ईदगाह के ऊपर, ईद के दिन मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी कांग्रेस ने। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी सत्यनारायण जो सिंह थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे,
ईदगाह के ऊपर गोलियां चलवाई थी मुसलमानों पर, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। आज तक वहाँ पर कभी सरकार नहीं बनी। बिहार में भी यही काम किया था उन्होंने, भागलपुर के अंदर मुसलमानों के अंदर क्या हाथ किया था। ये तो लगातार आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि आज क्या है कि जानकारी का अभाव है लोगों के अंदर। सिर्फ मुसलमानों को डरा कर बीजेपी को आरोप लगाकर वोट लेना चाहते हैं। काम कुछ करते नहीं है, काम कुछ आता नहीं है। जब 16 महीने की सरकार थी, जब योजनाएं आपने क्यों नहीं चलाई, जब सिलेंडर आपने 450 का 500 का क्यों नहीं दिया, 1500 रुपए क्यों नहीं दिए। अब सरकार चली गई, अब मामा जब पैसे दे रहे हैं अकाउंट में आ रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम देंगे, हम करेंगे। तो भैया आप क्यों करोगे तुम, जब करने का टाइम था, जब करना चाहिए था आपको, अगर इतनी ईमानदारी से काम करना था आपने तो कोई काम नहीं करा। अब क्यों चाह रहा हूँ, अब सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जनता इनके बहकाव में आ जाए और हमें फिरके से वोट दे दे और फिरके से सत्ता में आ जाए। हाँ। है ना, तो ये तो लालच दे रहे हैं ना। जी, 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 भाई काम करने वाला लालच नहीं देता, काम करके दिखाता है। मामा ने तो काम करा और अकाउंट खुश है, आज भेने आज खुश है, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है 12:30। वो तो कह रहे हैं कि ये तो चुनाव से पहले किया, पहले नहीं किया था मामा। अरे तो मामा की जो मामा को बहनों की याद पहले नहीं है, तो लाडली बहना योजना नहीं चल रही, सुरक्षित है आज बहने, आज सुरक्षित है, बेखौफ चली जाती हैं। पहले 7 बजे घर के अंदर चले जाते थे, आज महिलाएं रात को 11 बजे 12 बजे को बिंदास, कोई डर नहीं, बिंदास घूम रही है। पर वो तो कह रहे हैं हमारे राज में भी, किसके राज में घूमती नहीं। अरे भैया 7 बजे ना घर के अंदर पहुंच जाते थे, भैया महिलाओं को जल्दी पहुंचा दो, कहाँ बहने हम लेने आ रहे हैं आपको। कांग्रेस के शासन में क्या होता था, बिल्कुल लाइट नहीं होती थी, तो गुंडे मवालियों का बोलबाला होता था, वो कांग्रेस के नेता उनका सपोर्ट करते थे। कह रहे बीजेपी वाले ही गुंडे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चाहे यूपी हो या नहीं, बिल्कुल नहीं। आप, मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं कोई मेरे साथ गलत काम करेगा मैं थाने में जाऊंगा ना, तो मेरी FIR लिखी जाएगी, भले ही वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन कांग्रेस शासन में ये होता था कि अगर किसी कांग्रेस ने क्राइम करा है और वो कांग्रेसी है या किसी नेता का वो छर्रा है, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। हाँ, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। कांग्रेस लगातार कहते हैं कि ये बीजेपी वाले मुस्लिमों को दबा देते हैं, दंगे कराते हैं ये। भाई साहब कहाँ, कितने दंगे हो गए MP के अंदर आज? आज 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 19 साल के अंदर कितने दंगे हो गए? और कांग्रेस का इतिहास उड़ा के देखो, 6,000 से ऊपर दंगे हुए कांग्रेस की शासन काल के अंदर। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। मोदी जी ने आयुष्मान योजना दी, देखो 5 लाख रुपए बहुत। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, यूपी से क्राइम खत्म कर दिया आज, बिल्कुल आज। भाई जो गरीब आदमी है, जो दबा हुआ आदमी है, उसको ऊपर लाना है ना, क्या गुंडे गुंडे उनका राज चलता रहेगा? जो बाहुबली है वही राज करते रहेंगे क्या? भाई पहले यूपी के अंदर एक आम आदमी, आम औरत घर से निकल नहीं सकती थी, ये तो आपको पता है ना। आज योगी जी के राज में बेखौफ होकर महिलाएं घूम रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। मामा के राज में, मामा के राज में, बिल्कुल। तो भाई राज में घूम रही हैं अब लाडली बहने, लाडली बहने खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। 1200-1250 रुपए आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, गठबंधन है 26 पार्टियों का इंडिया गठबंधन, उसमें से कुछ नेता हैं कहते हैं सनातन धर्म बीमारी की तरह, इसको खत्म कर देना चाहिए, तो क्या मुस्लिम भाई? देखो धर्म तो जो होता है वो अच्छाई के लिए होता है, कोई भी धर्म हो, सनातन से नहीं है, कोई भी धर्म हो अच्छाई के लिए होता है, वो अच्छाई का मार्ग बताता है, उसके ऊपर चलना है हमें ना, कि धर्म खत्म होने से अच्छाई खत्म नहीं होगी, आप खत्म हो जाओगे। भाई धर्म कोई भी गलत, खत्म कर देना चाहिए सनातन धर्म। तो भाई आप चलो ना सनातन के ऊपर चलो, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम के ऊपर चलूँ, भाई मेरा धर्म तो मुझे जो है अच्छाई भाईचारे का बताता ना, लेकिन इसको फॉलो करना मेरा काम है ना, मैं करूँ ये कहता धर्म ना कि मैं उसको यूज करूँ। बेवकूफ है, कहीं ना कहीं उनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, या तो किसी में विकास, उनकी बुद्धि में कमी है, या फिर उनके बाप का नाम, उनके दादा का नाम पता नहीं है उनको, मेरे हिसाब से ना कहीं। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो किसी भी धर्म के बारे में, तो उसको मूर्ख है, एक नंबर का वो बेवकूफ आदमी है। कहने का मतलब है, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम राजघराने से आते हो, तुम ये बताओ कि तुमने अगर देश के लिए कुछ अच्छा किया होता तो तुम्हें जनता हाथों हाथ ले लेती। आज इतने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत क्या थी? आज मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत क्या थी? वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उनके साथ ही सनातन को खत्म करने की बात। नहीं गलत है। आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी से लेके काश्मीर तक आपने जो बोया वही काटोगे ना,
आपने देश के अंदर आज तक कुछ अच्छा बोया ही नहीं है। आपने लोगों को बांटा है, नफरत फैलाई है, आपने नफरत की राजनीति की है। आपके दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जितने भी नेता हैं, इनने आज तक सबका दिल जीता ही नहीं है। आज तक सिर्फ आप वोट लेके इनको मूर्ख समझते सब लोगों को। ये हिंदू और मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई कह रहे हैं कि बीजेपी और मामा आ रहे हैं, बीजेपी आएगी और मोदी की विकास के नाम पर मामा, विकास के नाम पर मामा ने विकास करा है, मामा ने योजनाएं, योजनाओं के नाम पर मामा आएंगे। मामा ने जो निचले स्तर तबके का लोग हैं उनका भला करा है मामा ने। मामा काम करते हैं, मामा राजा बन के मुख्यमंत्री नहीं है कि मतलब ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि राजा बन जाए और लोग उनसे मिल ही नहीं पाए। मामा तो ऐसे साधारण व्यक्ति हैं। आज मामा से मिलना हो किसी की बुक के आए हो, बिल्कुल मामा से मिला मिलते हैं, लाइन लगती है, मामा मिलते हैं सबसे, रोज गरीबों से मिलते हैं मामा। सीएम हेल्पलाइन में आप शिकायत करो, आपके काम होंगे। थाने के अंदर आप FIR करो, आपकी सुनवाई होगी, अधिकारियों के पास जाओ, आपकी सुनवाई होगी, आपका काम होगा। कांग्रेस शासन काल में तो भैया भूल जाओ, कोई काम जनता के भी होते, सिर्फ कांग्रेसियों के ही काम होते, सिर्फ कांग्रेसियों के काम होते हैं भैया। उनके हाथ पांव जोड़ो, उनके हाथ पांव जोड़ो, उनकी सेवा करते रहो तो आपके छोटे मोटे काम हो जाएंगे, नहीं तो आप जनता के काम तो भूल जाइए। पहले बताइए क्या नाम? मैं अनवर खान जिलानी। अनवर खान जिलानी, जिलानी साहब क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन आधे वकील आधे मजदूर दोनों हाल है, क्योंकि इन्होंने मुसलमान नाम पे वोट लिया, मुसलमानों को धोखा दिया इन दोनों ने, कुछ भी नहीं करा आज तक। इनकी हालत इतनी बड़ा ख़राब है, इन्होंने इस कौम ने वोट दिया है, इनके साथ धोखा हुआ है, और अब कैसे परिवर्तन चाहता है मुसलमान या दूसरा, या इन दोनों को भगा दिया है। हाँ, कौन सी पार्टी से विधायक है? कांग्रेस। कांग्रेस से हैं दोनों, तो फिर भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे तो हक बात करने क्या बुलाइए, इन्होंने कांग्रेस वालों को आशीर्वाद बढ़ने नहीं दिया, एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया, इन्होंने खत्म कर दी कांग्रेस कार्यकर्ता, मुसलमान नेता खत्म कर दिए इन्होंने, है ना। वक्त बोरी जायदाद पूरी बेच खाई इन्होंने, और आज बीजेपी बेचेगी तो अब फट रही है इनकी, है ना। बीजेपी पूरे वक्त बोरी जायदाद इन लोगों ने बेची खाई, जो गरीब यतीम थे उनको हक नहीं मिला भोपाल में, है ना, कहीं नहीं मिला, और ना उनके पास पेपर हैं आज तक। दो कॉलोनी ऐसी हैं 25,000 मुसलमानों को जो वक्त बुरी जायदाद में, लेकिन उनको न किराया न माहौन दिया इन्होंने, और न उनको हक मिला। मामा जी कैसे हैं? मामा जी का क्या लग रहा है? मामा जी बहुत अच्छा आदमी थे, लेकिन बीच में पलटी खा गई, क्या हुआ? मामा अच्छा आदमी था, अब हुआ है मामा गड़बड़, लेकिन क्यों गड़बड़ हो गया? हमें तो मामा और कमलनाथ दोनों एक ही लग रहे हैं, ये दोनों एक ही लग रहे हैं। ऐसा क्यों? ये भी पलटी खा गए, वो भी पलटी खा गए। हाँ, क्या लग रहा है? मामा जी आएंगे, आ सकते हैं? नहीं, मामा जी की उम्मीद थोड़ी कम है। हाँ, कमलनाथ जी की ज्यादा है, कमलनाथ जी उम्मीद ज्यादा है। अगर दिग्विजय सिंह धोखा न दें तो, दिग्विजय सिंह धोखा ना दे तो दिग्विजय सिंह का, आज भी दिग्विजय सिंह डरे कि इनसे अगर सीट हारेगी, दिग्विजय सिंह के चक्कर में सीट हारेगी। तो कुछ लोग कह रहे थे दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो बिजली भी नहीं आती थी। आप तो देख लो, दिग्विजय सिंह जब प्रचार करेंगे, हम कांग्रेस का 10,000 वोट कम हो जाएगा, ये चैलेंज 10,000 वोट कम हो जाएगा उस क्षेत्र में। तो बेहतर ये है कि दिग्विजय सिंह प्रचार न करो, घर बैठे वो अच्छा है। क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार है? कह रहे हैं कांग्रेस है इस बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो जिस पार्टी का होता है उसका बोलता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना। आप देख रहे हैं क्या किया, ऐसा क्यों आएंगे भारतीय जनता पार्टी? इतना किया है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं भैया? सिलेंडर मिल रहा है 450 रुपए का, शिक्षा स्कॉलरशिप मिल रही है मुसलमानों को, गेहूं चावल आटा दाल सब मिल रहा है फ्री में, पर फिर भी कह रहे हैं नहीं आ रहे इस बार तो मामा जा रहे हैं। मामा बिल्कुल नहीं जाएंगे। परसों के रोज बिजली के जो बिल थे वो 500 रुपए से लेके 50,000 तक के थे, पूरे माफ कर दिए शिवराज जी ने। तो मुस्लिम वर्ग में बहुत ज्यादा खुशी है, अति उत्साहित हैं, घर में बिरयानी बन रही है, मीठा जर्दा बन रहा है खाने के लिए, इतने खुश हैं, पूरे बिजली के बिल माफ कर दिए। राहुल गांधी भी आएंगे, अब तो कूली बन के भी घूम रहे हैं जनता के लिए। अरे वो कूली बन जाए या वो झाड़ू देने वाले बन जाए या ट्रक ड्राइवर बन जाए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बक्सा लेकर सर पर घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, खास करके मुसलमान पढ़ने लिखने में शिक्षित हो गया है। मुसलमान नहीं थे क्या? मुसलमान कुल ग्राफ नहीं था। आप आज़ादी के बाद से आप नरेंद्र मोदी जी के राज में देखिए कितने प्रतिशत मुसलमान IAS और IPS बने, और नरेंद्र मोदी जी के राज के बाद 2014 के बाद आप देखिए कि कितने प्रतिशत मुसलमान IAS IPS बन रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं। पर तब भी कहा जाता है कि जो बीजेपी मोदी जी ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों के विरोध में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये मेरे भाई हैं, बलराम प्रजापति जी, हम लोग सगे भाइयों से बढ़ के रहते हैं। अच्छा। हाँ, एक दूसरे के त्यौहार में सहयोगी हैं हम लोग सब,
ये सब बीजेपी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करती, बीजेपी बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं देश में मुसलमान को खतरे में डाल दिया बीजेपी मोदी जी ने। भैया वो ऐसा बोलेंगे जब तो उनकी रोटी पकेगी ना, बाकी कहां से रोटी बनेगी। तो मतलब रोटी पकाने के लिए आपको खतरे में डाल, अब मुसलमान इतना समझदार हो गया है, वो सब समझता है, सब समझ रहा है, जब तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। 18 साल से बीजेपी क्यों है मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी हाथ है, लगातार वोट दे रहे हैं। महिलाएं तो 80% शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ, जी हाँ, 80% आदमी जोर दबाव बनाते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो, लेकिन महिलाएं कांग्रेस का कह के जाती हैं लेकिन कमल का बटन दबाती हैं। मतलब कहती हैं कांग्रेस और जाके बटन कमल, बिल्कुल बिल्कुल, 100 बका एक लिखा, जब बूथ खुलते हैं सब मालूम हो जाता है, सब मालूम हो जाता है। जी हाँ, औरतें वोट। क्या नाम हुआ भैया? ज़हीर रिज़वी। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है मध्य प्रदेश? आएंगे मामा, मामा मामा कह रहे मामा ने तो कुछ किया नहीं है, मामा जा रहे हैं। मामा ने पैसे, सबको पैसे दिए हैं, 1,000 रुपए आए सबके अकाउंट के अंदर। हाँ, हमारे भी मिसेज क्या है, आपकी मिसेज क्या है? हाँ, 1,000। सब तो कह रहे हैं तो चुनाव से पहले एक वो है प्रलोभन है कि बस दे दिया, सब बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। मामा, मामा ने बिल माफ कर दिए मेरे, 7,000 रुपए माफ करे मामा ने, मेरे 7,000 रुपए बिल माफ हुआ मेरा। कितना? 7,000 रुपए। कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं किसानों का कर्जा नहीं, उनको खाली बतौले खाली